राज्य में सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है और अब हर किसी की निगाहें राजभवन पर टिकी हैं। वहीं सरकार के मंत्रियों का कहना है कि हमारी सरकार ने पूरे मामले पर विराम लगा दिया है, अब राजभवन के फैसले का सभी को इंतजार है। देखिए, जिस तरह की स्थिति, जो असमंजस की स्थिति आज पूरे राज्य में पैदा की गई थी, और मुझे लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से इस तरह का वातावरण बनाया गया था। हमारी ओर से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार की ओर से उस पर विराम लगा दिया गया, वो पटाक्षेप हो गया। अब जिनके पाले में गेंद है, जो लोग इस तरह का स्थिति पैदा करके और मजे ले रहे हैं, जो लोग कोई दिल्ली में घूम रहे हैं, कोई कहीं हैं, तो ये तो पर्दा उठाने का काम तो उनका है कि क्या भाई क्या निर्णय आया है। और ये जिस तरह का कदम, जो जिस तरह की स्थितियां पैदा की गई ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी ईसी के माध्यम से, कभी अन्य माध्यमों से, तो क्या फिर इन माध्यमों से करने से तो बहुत बढ़िया होगा कि आप पहले ही जो एक बाई इलेक्शन हुआ उसमें कहा सरकार गिर रही है, चार बाई इलेक्शन हो गए, चारों में हम जीत हासिल कर लिए, तो फिर क्यों नहीं धारा 356 लगाकर सीधे सीधे, हम तो सीधे लड़ने वाले लोग हैं, हम तो केवल निवेदन ये कर रहे हैं कि पीठ में छुरा मत मारिए, आप सीधा लड़िए और 356 लगाइए, हम जनता के पास फिर से जाएंगे, जनता फिर से चुनेगी और हम जनता की अदालत में पहुँचेंगे। बिल्कुल, यदि हिम्मत है भाजपा में तो भाजपा धारा 356 का इस्तेमाल करे और हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता को बताएंगे हम कहां डरे हैं, कहां हम सहमे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।